बॉलीवुड की बेहतरीन डांसर्स में से एक है नोरा फतेही और आज वो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। बहुत कम समय में नोरा ने इंडस्ट्री में अपना जो मुकाम हासिल किया है वो काबिले तारीफ है। हालांकि विदेश से भारत आना और बॉलीवुड में ना सिर्फ अपना नाम कमाना बल्कि खुद को स्थापित करना नोरा के लिए आसान नहीं था। एक्ट्रेस की माने तो स्ट्रगल के दिनों में उन्हें खासे रिजेक्शन और यहाँ तक कि अपमान का भी सामना करना पड़ा। आज हम आपको नोरा के स्ट्रगलिंग डेज का एक किस्सा सुनाने जा रहे हैं जिसका जिक्र खुद नोरा ने एक इंटरव्यू में किया है। नोरा की माने तो जब वो इंडस्ट्री में नई नई आई थी तब वो उन्हें एक कास्टिंग डायरेक्टर ने अपने घर ऑडिशन के नाम पर बुलाया था। नोरा कहती है कि उस महिला कास्टिंग डायरेक्टर ने उन्हें घर बुलाकर जमकर खरी खोटी सुनाई थी। इस कास्टिंग डायरेक्टर ने यहां तक कह दिया था कि यहां तुम्हारे जैसे बहुत से लोग हैं, इंडस्ट्री तुम जैसे लोगों से परेशान हो गई है, हम तुम जैसे लोग नहीं चाहते। नोरा कहती है कि कास्टिंग डायरेक्टर की बात सुन करके उनकी आंखों में आंसू आ गए थे और उन्होंने इंडस्ट्री छोड़ने तक का मन बना लिया था। नोरा के अनुसार उन्हें शुरुआत में हिंदी बोलना भी नहीं आती थी और इसी के चलते उनका खूब मजाक भी उड़ाया जाता था। बहरहाल फिल्म बाहुबली का एक आइटम सॉन्ग जिसमें आई नजर नोरा और इसके बाद नोरा ने कभी पलट कर नहीं देखा और आज उनकी गिनती इंडस्ट्री की टॉप डांसर्स में होती है।